दोस्तों आज हमारे पास जेब्रोनिक का स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर है जिसका मॉडल नंबर है पिक्साप्ले 15। दोस्तों ये प्रोजेक्टर 15,000 के रेंज में मिल जाएगा, तो इसी प्रोजेक्टर का आज अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको चालू करके भी दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे इसे प्ले किया जाता है, क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसके बॉक्स पे कुछ फीचर्स मेंशन है, उसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्रोजेक्टर का मॉडल नंबर दिया हुआ है। इसके फीचर्स में देखा जाए तो यहाँ पे 3400 लुमेंस का ब्राइटनेस दिया हुआ है। उसके बाद ये प्रोजेक्टर स्मार्ट प्रोजेक्टर है। इसे 457 सेंटीमीटर तक स्क्रीन की साइज बढ़ा सकते हैं। उसके साथ एक इनपुट HDMI मिल जाएगा और इसमें जो वाईफाई मिलेगा वो डुअल बैंड कनेक्टिविटी वाला वाईफाई मिलेगा जिसकी स्पीड 2.4 GHz से लेकर 5 GHz तक मिल सकती है। इसमें जो लैंप लगा हुआ है उस लैंप की लाइफ 13,000 आवर का लाइफ टाइम है और उसके बाद इसमें क्वाड कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें ऐप सपोर्टिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें स्पीकर भी मिल जाएगा, उसके बाद एक AV इन और ऑक्स आउट भी मिल जाएगा, 2 USB पोर्ट मिल जाएगा, रिमोट से ये कंट्रोल होगा और एयरप्ले और DLNA मीरा कास्ट भी मिलेगा। इसमें ब्लूटूथ 5.1 वर्जन मिल जाएगा। उसके बाद ये फुल HD प्रोजेक्टर है जिसका 1080 पिक्सल का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद इसे चालू करके देखते हैं। बॉक्स में से इतना सामान निकला है। इसमें एक पावर केबल मिलेगा जो 2 पिन का है, AV इन और ऑक्स आउट केबल मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक HDMI केबल मिल जाएगा, रिमोट मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा जिसको स्कैन करके इसके बारे में कुछ जान सकते हैं। प्रोजेक्टर के लेंस को साफ करने के लिए इस तरह से कुछ स्टिक मिलेंगी और इसके साथ एक कॉटन का कपड़ा भी मिल जाएगा। इसको कैसे साफ करना है उसका इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। अब सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में और प्रोजेक्टर को हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर का फ्रंट साइड है, यहाँ पे लेंस है। अगर ऊपर के साइड में देखते हैं तो यहाँ पे जेब्रोनिक्स का लोगो लगा रहेगा। यहाँ पे कुछ बटन दिया हुआ है जैसे कि पावर बटन है और इसे ऑपरेट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए ओके बटन है। उसके बाद यहाँ पे बैक करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। साइड में देखें तो यहाँ पे इसे जूम आउट जूम इन करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है और पीछे के साइड में देखेंगे यहाँ पे 2 पिन वाला जो पावर केबल है उसे यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कीटोन यानी कि एंगल के लिए भी बटन दिया हुआ है। 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ऑक्स आउट के लिए केबल मिल जाएगा, यहाँ पे AV इन के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे एक रिमोट का सेंसर दिया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि इस साइड भी दिया हुआ है, नीचे भी कुछ दिया हुआ है, साइड में भी दिया हुआ है और स्पीकर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे माउंट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि किसी स्टैंड पे खड़ा करके इसको रखा जाए, जैसे कैमरा वगैरह रखते हैं तो यहाँ पे इसको स्टैंड कर सकते हैं, या फिर माउंट करना चाहते हैं दीवार में चाहे सीलिंग में तो यहाँ पे भी उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन सभी ऑप्शन का यूज करके या तो माउंट कर सकते हैं या फिर आप स्टैंड पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ऑन करके इसे देखते हैं कि इसका फीचर्स कैसा है। प्रोजेक्टर में जब पावर दे देंगे तो रिमोट से रेड वाली बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो ब्लू लाइट है अप डाउन करने लगेगी और इस तरह से आपको सामने दिखेगा, इस तरह से लोडिंग होने लगेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश को ही रहने देंगे। नीचे आएंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ब्लर दिख रहा है, तो ब्लर को सही करने के लिए राइट साइड में जो दिया हुआ है इसे घुमाकर अपने अनुसार इसका जो जूम आउट जूम इन है, इसे जो ब्लर दिख रहा है इसे सही कर लेंगे। इस तरह से हम सही कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एंगल थोड़ा सा राइट साइड में डाउन है, तो इसे सही करने के लिए रिमोट से एरो बटन को प्रेस करके राइट साइड आएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन पे आएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 पॉइंट कीटोन दिया हुआ है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से आपको ऊपर नीचे करना है, तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए तो यहाँ पे लेफ्ट राइट या अप डाउन करके अपने अनुसार इसका एंगल सेट कर लेंगे। बैक वाली बटन पे क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्शन मोड। जब हैंग करेंगे तो ये जो स्क्रीन है उल्टा दिखाई देगा, तो उसको सीधा करने के लिए यहाँ पे फ्रंट डेस्कटॉप दिया हुआ है, तो इस तरह से लेफ्ट करेंगे तो अगर इसको हैंग करते हैं तो ये जो एंगल है ये सीधा दिखने लगेगा। तो अपने अनुसार हैंग करना है कि टेबल पर रखना है कि स्टैंड पर रखना है, तो अपने अनुसार यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल जूम दिया हुआ है, तो अपने अनुसार जो भी जूम वगैरह करना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसे 100% पे ही रहने देंगे। उसके बाद बैक वाली बटन से हम बैक चले जाते हैं, फिर आप पूरा बैक चले जाते हैं। प्रोजेक्टर में बस इतना ही सेटिंग है। उसके बाद अब हमें वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वाईफाई के लिए राइट वाली बटन आकर यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जो भी वाईफाई आपके वहाँ रहेगा वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। तो हमारा SM टेक्नोलॉजी वाला वाईफाई है, ये शो करने लगा, तो हम इसे कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट कराने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो जो भी वाईफाई का पासवर्ड होगा यहाँ पे डाल देंगे। आप यहाँ पे मोबाइल का भी हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, तो उसे सेलेक्ट करके वहाँ पे पासवर्ड डाल के कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। और ये जितना भी टाइप जो अल्फ़ाबेट टाइप करना है या न्यूमेरिक टाइप करना है, तो सारे रिमोट के एरो बटन से ही करना होगा। तो अपने अनुसार इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रिमोट से ही ये होगा। हमने पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड में नीचे देख सकते हैं डन दिया हुआ है, तो डन पे क्लिक करेंगे। जैसे डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। और उसके बाद अब बैक जाएंगे तो वहाँ पे वाईफाई आपका कनेक्ट दिखाने लगेगा। यहाँ पे रिकमेंडेड में देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो म्यूजिक वगैरह दिया हुआ है, स्पोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे फीचर ऐप में, तो यहाँ पे ऐप देख सकते हैं कि पहले से कुछ अवेलेबल ऐप है, जैसे iOS कास्ट या मीरा कास्ट, नेटफ्लिक्स, और भी सारे जैसे प्ले स्टोर दिया हुआ है, प्राइम वीडियो दिया हुआ है, यूट्यूब दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेटिंग में देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वाईफाई की सेटिंग दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ, उसके बाद प्रोजेक्शन सेटिंग, उसके बाद लैंग्वेज सेटिंग, उसके बाद डेटा सेटिंग, एप्लीकेशन सेटिंग, उसके बाद इसके बारे में प्रोजेक्टर के बारे में जानना है तो उसका सेटिंग दिया हुआ है, अदर सेटिंग और सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बैक चले जाते हैं। यदि आप कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो फाइल में जाके पेन ड्राइव में जो भी वीडियोस वगैरह है, मूवी वगैरह जो भी कुछ देखना है, तो वहाँ से प्ले कर सकते हैं। यदि आप लैपटॉप या किसी और चीज़ से HDMI से कनेक्ट किए हुए हैं, तो HDMI को क्लिक करके उसे कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद AV का जो ऑप्शन है, AV केबल से जो भी कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करके देखना चाहते हैं, तो कनेक्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ पे प्ले स्टोर दिया हुआ है, तो जैसे ही प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मेल ID पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि मोबाइल या TV में मांगता है वैसे सेम यहाँ पे मांगेगा। तो अपना मेल ID और पासवर्ड डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो जिस तरह से मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन होता है, सारा चीज़ यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। जो भी आप ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बैक करते हैं। तो चलिए हम YouTube पे चलते हैं, YouTube प्ले करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे YouTube प्ले होने लगा, जैसे TV में ओपन होता है वैसे इसमें भी ओपन होगा। कुछ धुलधुलापन दिखाई दे रहा है क्योंकि हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से दिख रहा है, लेकिन रियल में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। कुछ भी सर्च करने के लिए लेफ्ट में सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और जो भी सर्च करना है तो यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ पे बोल के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइक्रोफोन हमने नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेकिंग माइक्रोफोन ट्राई अगेन लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम टाइप करके सर्च करेंगे। तो इस तरह से टाइप करके सर्च कर सकते हैं अपने अनुसार, और जो भी वीडियोस ऑन करना चाहते हैं उसे ऑन कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें से कोई भी वीडियोस आप चूज कर सकते हैं और इसे ओके बटन पर क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें साउंड भी दिया हुआ है, और इसका साउंड बहुत ही अच्छा क्लियर आ रहा है इसका साउंड। यदि आप वॉल्यूम कम करना चाहते हैं तो रिमोट से माइनस वाली बटन पर क्लिक करके इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी वीडियो दिख रहा है बहुत ही अच्छे क्लियरिटी में दिख रहा है। चलिए आपको दूसरा वीडियो ओपन करके दिखा लेते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे हमारा दूसरा वीडियो है, इसे भी ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी क्लियरिटी आ रही है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसका जो क्लियरिटी है या रिजोल्यूशन है 1080 पिक्सल का है, जो कि देखने में रियलिटी में देखने में बहुत ही बढ़िया दिखेगा।
और अगर इस पे कोई पिक्चर वगैरह देखना चाहते हैं तो बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों इस तरह से वाईफाई कनेक्ट करके इसमें जो भी ऐप दिया हुआ है उसका यूज करके कोई भी वीडियोज आप देख सकते हैं या कोई OTT प्ले करके आप कोई भी मूवी वगैरह देख सकते हैं। अब चलते हैं कि अपने सिस्टम से कंप्यूटर से या लैपटॉप से HDMI के थ्रू इसे कनेक्ट करके कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद पहले तो अपने सिस्टम से HDMI केबल के थ्रू इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे सिस्टम सेटिंग दिया हुआ है, सिस्टम सेटिंग में HDMI ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो भी कंप्यूटर में जो लैपटॉप से हमने कनेक्ट किया है तो लैपटॉप का पूरा व्यू यहाँ पे दिखने लगा। तो चलिए इससे भी ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। जो भी कंप्यूटर में चलाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती रहेंगी। इस तरह से अपने लैपटॉप से HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट करा के प्रोजेक्टर पे शो करा सकते हैं। दोस्तों ये था प्रोजेक्टर का मेन सेटिंग और फीचर्स। जैसे कि हमने अभी बताया कि यूट्यूब को या कोई प्राइम वीडियोस को या फिर कोई OTT प्लेयर को कैसे इसमें प्ले किया जाता है, अगर HDMI से देखना चाहते हैं तो उसको कैसे देखा जाता है, या फिर पेनड्राइव से कोई मूवी वगैरह देखना है चाहे उसमें कोई वीडियो प्ले करना है तो वो कैसे देखना है, तो वो सारी चीज़ें सेटिंग कैसे एंगल को एडजस्ट करना है वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। नॉर्मली इतना ही सारा सेटिंग इस प्रोजेक्टर में या कोई भी प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रोजेक्टर को अपने काम के अनुसार यूज कर सकते हैं या फिर इसे सेटिंग कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टर 15,000 के रेंज में मिल जाएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वैसे ये कम रेट में बहुत ही अच्छी इसकी क्लियरिटी भी आ रही है और बहुत ही अच्छे इसमें फीचर्स दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।